स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। केंद्र सरकार को झटका राफेल पर, दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कलेक्टर ऑफिस में राहुल गांधी ने भरा नामांकन। जयराम के मंत्री अनिल का भाजपा पर निशाना, कहा मैं भी करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक। अब खबरें विस्तार से। न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ शामिल थे। अदालत ने एक मत से कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हो गए हैं, उसके आधार पर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। अदालत का कहना है कि जो कागज अदालत में रखे गए हैं, वह मान्य है। सरकार ने इन दस्तावेजों पर अपने विधाई की जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने इन्हें अवैध तरीके से हासिल किए हैं। अदालत ने कहा कि जहां तक राफेल फैसले पर समीक्षा याचिका की सुनवाई का सवाल है, इस पर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इसकी सुनवाई के वह नई तारीख तय करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में राहुल गांधी ने भरा नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ पूरा परिवार व करीबी लोग मौजूद थे। जहां सोनिया गांधी पहले ही कलेक्टर ऑफिस पहुंची, वहीं राहुल के साथ बहन बनोई भांजा व भांजी के अलावा पीएल पुनिया, संजय सिंह, अमिता सिंह आदि मौजूद रहे। रोड शो के दौरान उनके समर्थकों ने खुद नारे लगाए और रथ के साथ बड़ी तादाद में कलेक्टर ऑफिस तक गए। जयराम के मंत्री अनिल का भाजपा पर हमला, कहा मैं करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक। पिता सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में जाने के बाद दोहराहे पर खड़े जयराम सरकार में अनिल शर्मा ने पहली बार सत्तारूढ़ भाजपा पर सीधा हमला बोला है। बेटे आश्रय शर्मा टिकट पर चुनाव लड़ने से इस्तीफा के लिए चौरफा दबाव के बीच उन्होंने कहा अब मैं भी करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक। अनिल ने आश्रय के कांग्रेस में जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवारवाद प्रेम कुमार धूमल को निशाने पर लिया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।